हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस गेमर। तो भाई लोग कैसे हो? भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज हम लाइव पुशिंग करने वाले हैं लियोन से। सोलो शोडाउन का मैप है, सर्वाइव दे रहे ना मीटियोर सोवर। तो हम देखेंगे इसमें कि लियोन कितना ज़्यादा ओपी रहा और नहीं। ये मुझे कुछ दिन पहले ब्रॉलर मिला था सेकेंड आईडी में, पीसीएस गेमर वाली आईडी में। तो उसी का बाद में पुशिंग का वीडियो बना रहा हूँ। तो और अगर आप लोगों में से कोई हमारा क्लब ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और क्लब टैग भी। तो इसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो भी मार देता है लियोन को इजीली। लियोन पहले ज़्यादा पहले जितना ओपी नहीं रहा, पर ठीक है, लीजेंडरी ब्रोलर। क्रो भी बहुत ज़्यादा ओपी हो रहा है हर मैप में, तो सावधानी से खेलना पड़ेगा हमें। और 10 ब्रॉलर अभी लेफ्ट है, माइनस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो चेक करते रहना चाहिए। और गेम थोड़ा लैग हो रहा है, सामने एक पाइपर है, पाइपर जितना दूर रहेगी उतना ही ज़्यादा ओपी है। तो सामने तो एनर्जी क्यूब्स सब ले लिया एक कोल्ट ने, जो कि लास्ट में दिक्कत कर सकता है, पर कोई बात नहीं। इधर आ रहा था एक मोर्टिस से ज़्यादा सामने हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमें मार सकता है इजीली। उसका लाइफ देख सकते हैं 4940 और मेरा 3920, 1000 का डिफरेंस है। फिर भी लियोन उससे ज़्यादा ही ओपी है अगर वो लो लेवल का मोर्टिस रहा तो, अदरवाइज नहीं। तो सामने तारा भी है, तो थोड़ा सा के लिए मुझे डैमेज पड़ गया बहुत ही ज़्यादा। तो इसे हम डैमेज दे कर भगाते रहेंगे ताकि ये मेरे पर पुश ना कर ले। गेम लैग हो रहा है तो उसे मैं मार नहीं पाया, 3 ब्रॉलर लेफ्ट है अभी भी। और देखते हैं कि हमारा रैंक कितना में आता है उनमें से। तो अभी तो फिलहाल में कोल्ट ने उसे मार दिया है, जो कि अच्छा है। और कोल्ट से हम थोड़ा दूर रहते हैं, हाइड होकर मारने का कोशिश। ये प्रो कोल्ट था, 15 एनर्जी क्यूब लिया था। और इस मैप में हमारा #2, हम एक और बार खेल लेते हैं और देखते कि हमारा रैंक कितना आता है। तो लियोन और भी लीजेंडरी ब्रोलर पर वीडियो आएंगे क्योंकि मेरा सब लीजेंडरी ब्रोलर खुल गया है अलग अलग आईडी में, मेरा 3 आईडी है फिलहाल में। तो हम देखते हैं कि एनर्जी क्यूब कितना ले पाते हैं। तो देख सकते हैं 4 शॉट्स में तोड़ता है, और पहले लेवल 1 का लियोन 3 शॉट्स में ही तोड़ देता था। तो नर्फ आप लोग को पता चल गया होगा इतना देर में, तो दूरी रहना ही ठीक है उन लोग से। तो देखते हैं हमारा एनर्जी क्यूब इधर है क्या, एक कॉर्नर में बहुत कोई छोड़ देते हैं पता नहीं रहने के कारण। तो इधर एक सैलरी है जिसे डैमेज अच्छा खासा पड़ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है सैलरी को। तो ये सैलरी बच गई है और इसे डैमेज नहीं पड़ रहा है, तो इसी कारण। तो कोल्ट भी कोल्ट ने उसे मार दिया है, तो टीमिंग करने का कोशिश करते हैं। और ये तो मुझे डैमेज ही दे रहा है, तो थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा कोल्ट से। तो इसने फ़ायदा उठाया, तो थोड़ा दूर ही रहे हैं वही ठीक है, हमें तो पुशिंग से मतलब है बस। तो इतना ज़्यादा मीटियोर्स गिरे हैं कि आस पास का सभी ग्रासेस खाली हो गया है, ग्रासेस वाला पोर्शन। तो दूर ही रहेंगे हम। कार्ल भी ओपी हो रहा है, अभी अपडेट आ रहा है इसका भी बफ का बहुत ज़्यादा, और हाई लेवल का भी कार रहने से भी फ़ायदा है। तो अभी मेरा एबिलिटी वेस्ट चला जाता बिना मतलब का। तो सामने एक रोजा है, रोजा से दूर में ही फायदा है क्योंकि वो लॉन्ग रेंज ब्रोलर नहीं है।
तो ये राउंड करके हमें डैमेज दे सकता है, तो दूर ही रहेंगे हम इसे। तो थोड़ा इसे तो डैमेज पड़ रहा है अभी बस। तो इस मैप में भी मुझे लग रहा है हैशटैग 2 ही होगा, तो देखते हैं क्या होता है। हैशटैग 2 ही होगा गाइस। और एक बार और हम लास्ट खेल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। प्ले अगेन में फिर कर देता हूँ, और दो बार से हैशटैग 2 हो रहा है, इस बार हैशटैग 1 हो जाए तो अच्छा है। और मेरा अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लें, वो भी है सपोर्ट ब्रॉल मैन, वो ब्रॉल स्टार के बहुत ही अच्छे यूट्यूबर थे। तो आप लोग उस वीडियो में जाकर देखिए कि क्या हुआ है। और यहाँ हमें एक एनर्जी क्यूब मिल जाएगा, तो मिल गया हमारे एक एनर्जी क्यूब। इधर सैलरी है, सैलरी को मैं इजीली मार सकता हूँ, तो यहाँ से निकल ही लेना में फ़ायदा है बस। तो एक क्रो को मार दिया है मोर्टिस ने, और हमें हमारा लाइफ भी बहुत कम हो गया था, तो थोड़ा हम ग्रासेस में हाइड हो गए हैं। और 7 ब्रॉलर लेफ्ट हैं, तो कोई भी ब्रॉलर हो सैली से थोड़ा दूर ही रहें तो वही ठीक है, क्योंकि सैली का जो एबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। एक बार ब्लास्ट करता है तो कितना ब्रॉलर सामने रहता है वो चला जाता है। और ये मुझे भी तो मार दिया रहता पाइपर ने, तो हम पाइपर से दूर हैं, तो देखते हैं क्या होता है। दो लोग टीम अप कर लिए हैं, तो अभी तो 7 ब्रॉलर लेफ्ट है, और हमें शॉट्स देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। पाइपर और बो है, तो एक बो को एक कार ने मार दिया है, तो ठीक है। तो 6 ब्रॉलर लेफ्ट, तो ये पाइपर हमें दिक्कत कर रही है, पाइपर से हमें दूर हटना चाहिए। गेम लैग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो 6 ब्रॉलर लेफ्ट और हमारा गेम लैगिंग हो रहा है, नहीं पता क्यों। तो ये डेप्थ फायर है के कारण अभी मेरा सब छूट गया। तो 3 ब्रॉलर लेफ्ट है, और देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल में इस पाइपर को मैं इजीली मार सकता था, तो शायद हम हैशटैग 1 कर जाएं अगर अच्छा से खेले तो, पर देखते क्या होता है। तो हैशटैग 2 गाइज, इस बार भी हैशटैग 2। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं कितना पुशिंग हुआ आज हमारा, 18 ट्रॉफी पुशिंग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही।